हेलो, आप सभी को मेरी ओर से सुबह सुबह का प्यार भरा गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने सुबह के कामों में सभी मस्त होंगे। तो मैं भी अपने कामों में मस्त हो गई हूँ। सुबह पहले झाड़ू लगाई थी, फिर मैंने ओरेंज डाली, फिर उसके बाद बाहर पत्ते पत्ते हो गए हैं। देखिए तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ और महिमा बोल रही हैं ये झाड़ू कैसे बनाई है, तो मैं उसको बता रही हूँ। मैंने 2-3 पेड़ लगे थे तो उनको काट लिया है और उन्हीं की झाड़ू बना ली है, और इससे झाड़ू भी अच्छी लग रही है, देख ही सकते हैं। तो बस हमारे यहाँ गांव में इसी की झाड़ू बनाते हैं सब लोग, और इसी की झाड़ू से बाहर झाड़ू लगाते हैं। तो इधर आ गई हूँ मैं ब्रश करने। तो बस अब ब्रश करने के बाद बनाएंगे चाय और फिर पियेंगे चाय, और फिर उसके बाद नहाएंगे। नहाने के बाद बनाएंगे टिफिन। और मौसम देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो टिफिन से हो गए हैं हम फ्री, खाना भी खा लिया है। तो अब धो रहे हैं बर्तन, और सुबह जल्दी जल्दी पड़ती है तो पूरा वीडियो नहीं बना पाती हूँ। तो अब बर्तन धो रहे हैं, 10 बज गए हैं। तो बस अब खाना खाने के बाद थोड़ा सोंगी, क्योंकि खाना खाने के बाद इतनी नींद आती है और दवाइयाँ खाते हैं तो फिर तो मुझे ज़्यादा भूख भी लगती है और नींद भी आती है, तो सोना ही पड़ता है। फिर उसके बाद उठ के करेंगे कुछ और काम, तो फिर मिलेंगे आप सभी से। और मैं देख रही हूँ इधर पार्क में फूल अभी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे थे, सुबह तो कुछ दे रहे थे दिखाई, और इसमें फूलते हैं सफ़ेद वाले फूल, बहुत अच्छे लगते हैं। और ये है सफ़ेद वाली जासून, और पता नहीं इस बार क्यों नहीं फूल रहे हैं फूल। और इधर मैंने तोरण लगा दिया था अमावस्या को, अमावस्या और पूर्णिमा को बदलते हैं। तो इधर थोड़ा कचड़ा था तो मैंने उसको भी साफ़ कर दिया है, क्योंकि अब आंगन की छपाई होगी तो साफ़ तो करना ही पड़ेगा, और अच्छा भी नहीं लगता सामने। और इधर ये देखिए आम के नीचे आम गिर के ख़राब हो गए हैं, लगे थे तो कोई किसी ने तोड़े नहीं, तो बस उसी में लगे लगे हो गए हैं ख़राब। और इस साइड पूरी में साफ़ सफाई हो जाएगी, कचड़ा हट जाएगा पूरा। और इधर देखिए बाहर आके कितना अच्छा लगता है देखने में। और ये रहे, और मैंने कल अंडे दिखाए थे चिड़िया के, और आज देखी चिड़िया कैसी बैठी है अपने घर में अंडों के ऊपर। और ये रहे आम, तो इस आम में 3 आम बस लगे हैं, तो अब ये नवरात्रि में मिलेंगे खाने को। और मौसम देखिए कितना अच्छा लग रहा है बाहर, और सुबह तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि बारिश आने ही वाली हो, और रात में के 8 बजे से बारिश हुई थी तो रात में होती रही थोड़ी थोड़ी, और आज पूरा दिन ऐसा ही रहेगा लगता है। और इधर ये लगे हैं ककड़ी, और कुछ उस साइड लगे हैं दूसरी साइड, तो उसमें ज़्यादा लगे हैं और इसमें 2 बस लगे हैं। और ये लगी है गिलकी, तो बस सब्जी भी हमारी थोड़ी थोड़ी होने लगी है। हेलो, आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है कमला ब्लॉग MP27 में। आज बताऊंगी मेरी ज़िंदगी की कहानी की सच्चाई। और सुबह से कामों में लग जाते हैं तो नहीं आ पाते हैं कैमरे के सामने, तो दिन की शुरुआत तो हो गई थी हमारी 6 बजे से। तो बस सुबह से लग गए कामों में, तो पूरे सब कामों से फ्री हो गई हूँ मैं। और सुबह से टिफिन की भी जल्दी पड़ती है तो भी वीडियो नहीं बना पाती हूँ मैं। तो बस अब खाना पीना से फ्री हो गए हैं, बर्तन भी धो रहे हैं, तो अब देखते हैं दिन में क्या काम करते हैं। और वैसे भी बरसात में अभी तो काम है ही नहीं, और बस अब नवरात्रि आएगी तो काम इतना आएगा कि दीपावली तक ख़त्म ही नहीं होगा, और गणेश चतुर्थी भी आ रही है, तो बस सही रहेगा लिपाई पुताई का, और थोड़ी बहुत साफ़ सफाई का काम तो हर रोज़ ही लगा रहता है। और गाय को रोटी खिलाने जाना था लेकिन आज कहीं और बनी है,
क्योंकि बारिश भी आ रही थी, रात में हुई थी बारिश, और अभी भी मौसम है बारिश का। धूप देखो कितनी निकली आई, रात में बारिश हुई और अच्छी तेज धूप निकली। अपने पार्क में फूल नहीं फूल रहे का दिखाई नहीं रहे हैं, अभी गुलाब के बस दिख रहे हैं थोड़े थोड़े। तो शाम की 4 बज गए हैं और आज का दिन बहुत बड़ा निकला। मेरा तो सिर दर्द करने लगा है क्योंकि सुबह बारिश जैसा मौसम रहा तो कुछ काम भी नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत बाहर की साफ सफाई करते, कचड़ा पटाते, और दिवाली आ रही है नवरात्रि तो मिट्टी की छपाई भी हो गई आंगन में, तो बस अंदर ही रहे। और बस खाना खाने के बाद तो सोना ही होता है क्योंकि आंखें बिल्कुल भी नहीं खोलती हैं, तो सो गए थे। तो अभी उठी थी मैं 2 बजे, तो फिर कपड़े अपड़े धोए और फिर थोड़ी लाइव में आई, लेकिन कोई जुड़ा ही नहीं है लाइव में, अभी किसी को पता भी नहीं है। और अब आएंगे हम हर दिन लाइव में, तो दोपहर में या रात में। अब करेंगे शाम के झाड़ू लगाने की तैयारी, तो बस झाड़ू लगाएंगे। और खाना भी बहुत कम ही बन रहा है, तो लेट ही बनता है। तो महिमा के पापा अभी लेट आ रहे हैं 9:30-10 बजे तक, तो खाना भी लेट ही बनता है। तो पूरा दिन इतना बड़ा लगता है कि क्या ही बताऊं, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और कुछ मुझे सिलाई भी करनी थी, मेरे खुद के ब्लाउज़ बनाने थे, लेकिन तबीयत ख़राब की वजह से कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। और मशीन चलाते हैं तो पैरों में सूजन आ जाती है, और वैसे भी कल परसों मेरे मुँह में कितनी सूजन थी, और दवाई भी ले रही हूँ तो आज तो थोड़ी कम हो गई है। और अकेले रहती हूँ तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, लेकिन क्या करें, रहना तो पड़ेगा ही। और वो तो ये अच्छा है कि आप लोगों से जुड़ जाती हूँ तो थोड़ा अच्छा लगता है और समय भी निकल जाता है हमारा। और मैं ज़्यादा मोबाइल और टीवी भी नहीं देख सकती, अगर देखते हैं ज़्यादा तो मेरा सिर दर्द होने लगता है, तो बहुत कम ही देख पाते हैं। और आप लोग ऐसा क्यों करते हैं, मेरा वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन ना तो एक लाइक करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं, तो मैं बहुत मुश्किल से वीडियो बना पाती हूँ। और अगर आप लोग लाइक और कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और लाइक और कमेंट करने में पैसे थोड़ी लगते हैं, तो कर दीजिए फिर आप लोग लाइक और कमेंट, ताकि मुझे और आगे वीडियो बनाने में अच्छा लगे। और अभी कोई नहीं करता है तो मुझे बहुत बुरा भी लगता है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। आज से हाथ जोड़ के प्रार्थना है हमारी आप लोगों से कि बस लाइक और कमेंट तो करते ही जाइए, और जो कुछ मैं वीडियो बनाने में गलती कर रही हूँ उसको भी बताते जाइए, तो मैं सुधारूँगी गलतियों को और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और मैंने वीडियो बनाना इसी से स्टार्ट किया था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब रहती है, किडनी और लीवर, तो 4-5 साल से दवाई लगातार चल ही रही हैं, तो मेरा कोई ठिकाना भी नहीं है। तो बस मुझे यही लगता है कि मैं कुछ करने लायक नहीं हूँ, तो कुछ करके दिखाऊंगी सब लोगों को, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट ही नहीं है, कुछ लोग ही अच्छे मिलते हैं। और बस मेरा यही एक सपना था कि मैं एक न एक दिन कुछ करके दिखाऊं बस। और अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं 4 दीवारियों के भीतर रहकर कुछ करके दिखा सकूंगी, और वो भी बीमारियों से घिरी हुई। तो बस यही चाहती हूँ मैं कि मेरा यही सपना पूरा हो जाए कि बीमार रहते हुए भी मैंने कुछ करके दिखाया है, क्योंकि सब लोग तो कहते ही हैं और मैं खुद भी कहती हूँ, क्योंकि मैं घर का भी कुछ काम नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं धीरे 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 करती ही रहती हूँ, क्योंकि घर का काम तो करना ही पड़ेगा कुछ भी हो, कोई दूसरा तो आएगा नहीं घर में काम करने के लिए। तो किडनी और लीवर की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और उसी में बार बार हो जाती है पथरी,
तो हर साल दो साल में मेरा ऑपरेशन भी होता रहता है, और पर साल तो मेरी दूसरी किडनी में भी इन्फेक्शन बन गया था बहुत ज़्यादा, तो वो भी ख़राब होने वाली थी, लेकिन ऑपरेशन हो गया पथरी का तो ठीक हो गई है। तो बस जीने का तो मेरा कोई ठिकाना ही नहीं है कि कब क्या हो जाए, क्योंकि दवाइयों के भर ही चल रही हूँ। तो बस मेरा एक यही सपना है कि मैं इतनी बीमार रहकर और घर से तो बाहर निकलने को मिलता ही नहीं है, तो घर में चार दीवारियों के अंदर रहकर भी कुछ करके दिखा सकूँ। और वैसे मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ, होगा तो आप लोगों की सपोर्ट से, तो बस आप लोग सपोर्ट करेंगे तो होगा, नहीं तो क्या। मैं तो बस यही सोचती हूँ कि कुछ नहीं होगा अगर तो मेरी यादें तो रह जाएंगी हमेशा के लिए। और वैसे भी मुझे वीडियो बनाते एक दो साल तो हो ही गए हैं, और सब्सक्राइबर तो हमारे पूरे हो गए, लेकिन वॉच टाइम नहीं हो रहा है, तो बस इसी से परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। और अगर मेरी तबीयत ठीक रहती तो मैं कभी नहीं आती यूट्यूब पर, ना ही बनाती, क्योंकि घर में कुछ काम नहीं करते हैं तो बैठे बैठे भी बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मेरा वॉच टाइम भी पूरा हो जाएगा, और मैं जो सोच रही हूँ मेरी वो इच्छा भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं यूट्यूब से बहुत सारा पैसा कमाऊँ या कुछ भी करूँ, बस मुझे ऐसा सब लोगों को करके दिखाना है, भले ही मेरी यूट्यूब से एक पेमेंट आए बस, फिर उसके बाद बिल्कुल भी ना आए, लेकिन बस मुझे तो यही लगा है कि मैं कुछ करने लायक नहीं हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ करके दिखाना है, क्योंकि मेहनत का काम तो मैं कर नहीं सकती, और जैसे कर भी लेती हूँ थोड़ा बहुत तो फिर बस फिर से तबीयत ख़राब हो जाती है, तो एक दिन काम करेंगे तो 10 दिन बिस्तर पे रहेंगे, इसलिए मैं धीरे धीरे काम में लगी रहती हूँ, कुछ भी काम ऐसा नहीं करती हूँ जो मेरे लिए मुश्किल। तो आज के लिए इतना ही, मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मिलूँगी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय गौ माता।